Welcome to EduCan. Previous year questions and their solution targeting all the upcoming examinations that are going to be held in the coming months. Taku target kariki ame jo series start karthile. E series re ame kon karu? We discuss only the previous year questions or the very similar type questions that are coming in the examination. Tar hoi aji gote nua class. ताहले जदि तुम आरो प्रीवियस क्लासेस गुरा देखिना ताले डेफिनेटली आमर ओडिया पाठशाला चैनल रो प्लेलिस्ट रे इंग्लिश बाय पायल मैम जाए कि से सब क्लासेस को निजे देखो. ईच एंड एवरी क्लास रे हमें करू कौन वेरियस एग्जामिनेशन ओएसएससी हो एएसओ हो आमर जो ओपीएससी रो जो सीसैट पेपर रो इंग्लिश हो किंबा आमर एसएससी सीजीएलई एसएससी सीजीएल ए सब माने डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्टेट रो भी सेंट्रल रो भी आम कौन करू पेपर क्वेश्चन उठाओ जोग्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आसी सारी 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आम 30-35 मिनट रो वीडियो भितर आम कौन करू सॉल्व करू ठीक अच्छे जो यहाँ मुझे इनफॉर्म करदे जो मैंने आज फर्स्ट टाइम पर क्लास को देखुं बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो मैंने कंटिन्यूअसली मो वीडियोस देखुं से मैंने फीडबैक कमेंट सेक्शन में कहूँ से मैंने निजर क्वेरीज निजर रिक्वायरमेंट रो डिमांड भी रखुं तो से मैं मुझे जो मैंने नुआ आज जॉइन करते मुझे कहूँ कि जो मैंने ए क्लास विषय आगुरी अवेयर अच्छे से वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर बट जो मैंने नुआ अच्छे से एजेंडाटा कहीदे तो आम ए टाइप क्वेश्चन को सल्व करूँ से 25 क्वेश्चन जो आम डिस्कस करूँ तार नॉट ओनली आम आंसर इवैल्युएट करूँ बट आफ्टर दैट कि अलग ऑप्शन माने बाकी तीन टा ऑप्शन कहीं ठीक हेनी कहीं ए ऑप्शन टा ही ठीक हे ता पचर ग्रामर रूल्स को भी आम कौन करूँ लर्न करूँ यो आमर जो क्लासेस रो जो पीडीएफटा तुम क्लासेस रो पीडीएफ हो क्लास रो जो लिंकटा भी हो मु सबुबेले आमर जो टेलीग्राम चैनल अच्छी टेलीग्राम चैनल रो ना हो इंग्लिश बाय पायल मैम एजुगैन एट द रेट इंग्लिश बाय पायल मैम एजुगैन टाइप करदेव स्पेस दबनी यू विल डेफिनेटली गेट द लिंक आर जो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी तुमको लिंकटा दि जाइ थिबो टेलीग्राम चैनल जॉइन करदे तुम पीडीएफ गुरा पाइव ओके आउर मुझ क्लास रो लिंक्स गुरा भी दे दिए तुम्हें चाहिए से प्लेलिस्ट रो लिंकटा पाइव आई जो वीडियोटा पर्टिकुलरली किसी पिला पचारे जो नुआ आम रूल्स रो क्लास स्टार्ट कर केवे करिबा कमिंग वीक रु सेटा स्टार्ट हबो किंतु ए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो डिस्कशन ए वीडियो भी आसुतबो अलोंग विथ तारो क्लास सी गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट रे स्टोर हबो एटा गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट रे सेथिरे आमे कांसेप्ट सिखिबा चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिबा आ एथिरे आमे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां भी सब एग्जामिनेशन होउची आ हेई छि 10 इयर्स भितरे तारो पेपर को डिस्कस कर चलिबा साइमल्टेनियसली तमरे डी सिलेबस भी कंप्लीट करूथबा आ सेपरेट आमे पास क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूथबा कना इंग्लिश गोटे एमती जिंस तमे स्कूल टाइम रु पढ़ी आसुच ठीक अच्छे तुमको भी एक्वेंटेड होबार अच्छे कौ टाइप रो क्वेश्चन पड़े और से क्वेश्चन को हमें सॉल्व केमती करिबा आउ एक्स्ट्राटा सिखिबो कोन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तुम्हें एगुरा सब नुआ सिखिबो फ्रेजल वर्ब वोकैबुलरी क्लोज टेस्ट करवा केमतिया करा जाए आरसी केमती मैनेज करा जाए यही सब जिनस गुरा सीख बट बेसिक जो ग्रामर रूल्स गुरा आर्टिकल्स हो कनेक्टर्स हो यही सब जिनस गुरा हमें स्कूल रे 10th लेवल रे ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव लेवल रे कर सारीचे बट से रिवाइज करवाटा हूँ आम उपर डिपेंड करे आम केमी रिवाइज करवा पिला ओनली रूल्स को देखती बट मो प्रोसेस हूँ कि मुझे क्वेश्चन रू कौन कै रूल टू सल्व कै कहीं आम पढ़ीदे 500 रूल्स 1000 रूल्स पढ़ीदे कि आम परीक्षा जी रिक्वयर्ड था आम जब से कर दे जाऊे आम 25 रू 25 अलमोस्ट कौन करदे सल्व करदे ठीक अच्छे से टार्गेट रखिकी आम से सीरीजटा कंटिन्यू करवा आम यही सीरीज्रे सब आपको गोटे वीडियो मॉक भाया कनसीडर करवा जितेबले भी स्क्रीन रे क्वेश्चन डिस्प्ले हम निजे सॉल्व करिबो आउ जितेबले तुम मैंने सल्यूशन टा हो वीडियो रिज्यूम करके निजर करेक्शन करिबो आउ तापरे निजर करेक्शन कर इवैल्युएट करिबो कि तुम ठीक है कि भूल है जदि भूल है रूलटा को सीखिक निजर नोट मेन्टेन करिबो पीडीएफ टा टेलीग्राम चैनल रे इंग्लिश बाय पायल मैम एजुगैन टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करले तुम्हें से सब पीडीएफ गुरा मु अपलोड कर दे कर देबी क्लास रो एंड रे तुम्हें सब से पीडीएफ गुरा से उठ कोन कर परिबो एक्सेस कर परिबो तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड रे डिस्प्ले हेची शी हैज बीन फीलिंग ऑकवर्ड सिंस राम डैश द पार्टी ऑप्शन कौन कौची एंटरिंग हैड एंटर्ड एंटर्ड आउ एंटर से कौन कौची देखो
प्रथम पार्ट ऑफ द सेंटेंस कौन कहूँ शी हैज बीन फीलिंग व्हाट ऑकवर्ड माने ताकू बहुत ऑकवर्ड लगुच कहीं ऑकवर्ड लगुच लगुच सिंस राम डैश द पार्टी ताने ऑकवर्ड फीलिंग हबाटा के स्टार्ट है जितेबले राम पार्टी को आसी सारी से कि प्रेजेंट पर्यंत जितेबले ऑब्जर्वर स्टेटमेंट को कहूँ से पर्यंत से झीलटा को कौन लगुच ऑकवर्ड फील हवा लगुच राम रो पार्टी को एंटर करार इवेंटा प्रेजेंट रे फ्यूचर रे हबो ना पास्ट रे पास्ट रे ताले एंटर रो को फॉर्म टा में यूज करिबा सी फॉर्म आंसर कौन ही गला राम एंटर्ड द पार्टी देखिलो केते इजी अछि शी हैज बीन फीलिंग ऑकवर्ड सिंस राम एंटर्ड द पार्टी जो टाइम रु राम पार्टी भितर को एंटर करिछि से टाइम रु से ऑकवर्ड फील करिया कौन करछि स्टार्ट करिछि बुझियला कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखो शी वर्क hardly to earn bread and butter question ro instruction kono ki work hardly jo ta ko bracket bitare diya jai ji ja ko mu red re underline kareli sei part ko ame kouthre ko option ro kouthre replace kari pariba most appropriate hobo a houchi works hard b houchi no improvement c houchi work hard d houchi work hardly dekho हार्डली माने कौन जानी चो हार्डली माने आदो हार्डली गोटे नेगेटिव टर्म मुझे कह भी सी हार्डली वर्क ता माने से बहुत परिश्रम करूनी से बिल्कुल ही काम करेन से आदो ही काम करेनी ओके हार्डली गोटे नेगेटिव टर्म तो सी वर्क्स हार्डली टा सी कह ची सी तार ब्रेड एंड बटर अर्न करने कि बहुत परिश्रम करे तार सेन्स हार्डली यूज कले आसब ता माने से निजर ब्रेड आउ बटर अर्न करने कि बिल्कुल ही काम करेनी आदो से कौन करेनी काम करेनी से लगे कौन हबो शी वर्क्स हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर को ऑप्शन रे अछि ऑप्शन नंबर ए रे अछि शी वर्क्स हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर ऑप्शन नंबर ए हे गला कौन मोर करेक्ट तापर आसीला क्वेश्चन नंबर 3 3 देखो ही इज प्लानिंग टू गो टू सिमला बाय रोड ओके सी कहूँ कि एठी आमे को आर्टिकल एठी फिल कर पारिबा डैश रे द ए एन मते गोटे कथा को एठी जो रोड टा यूज हेची एठी रोड गोटे ट्रांसपोर्टेशन को से ये रेफर करछि माने से रोड बाटे जीव रोडवेज यूज करबा ना वाटरवेज यूज करबा ना एयरवेज यूज करूछि तो गोटे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को माने गोटे सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एटी आर्टिकल ही कौन दरकार ही इज प्लानिंग टू गो टू शिमला बाय रोड से रास्ता बाटे से रास्ता द्वारा कौन हो शिमला जावा को चाहूँ तो ना ये गोटे स्पेसीफिक रोड विषय मेनसन करा जाइए ना ही ये कौ आम या गोटे रोड माने ही इज यूजिंग अ रोड आम ये सेन्स कहूनु आम गोटे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पाई कि कहूँ तो ये आर्टिकल यूज आदो दरकार ना तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो ही इज प्लानिंग टू गो टू शिमला बाय रोड ओके तले करेक्ट ऑप्शन कौन हो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड तो ए आउ करदेवन बाय ए रोड कि बाय द रोड जदि कौ रोड स्पेसिफिक ना दिया ताले द कही पार आउ ए आउ एंड तो बिल्कुल भी यूज हेनी ये जगह आउ ए भी एठी यूज हेनी कहीं ना ये गोटे रोड को टारगेट कराइन ये गोटे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कन्वे कराई क्लियर है आसला कौन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन जस्ट कट आउट द सर्कल टू लाइन द बटन से कौच कट आउट को रिप्लेस करने कि गोटे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आमको चूज कराया पड़ो कट ऑफ कटन नो इम्प्रूवमेंट एंड आउ गोटे कौच कौन कट आउट ये कटा कौन कट रु आसे एटा कौन कट रिप्रेजेंटेशन एटा कौटु आसे कैच पास्ट फॉर्म तो एटा तो बिल्कुल भी हबनी कट ऑफ तो दरकार भी नहीं कट ऑन भी दरकार ना तो मैंने कौन मोर जो मैंने फ्रेजटा यूज होता बिल्कुल ठीक अच्छे यू कैन कट आउट द सर्कल टू लाइन द बटन करेक्ट फॉर्म रे यूज होती देर इज नो रिप्लेसमेंट नीडेड ताले नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन कौटा ठीक है गला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके अच्छा किसी पिला कहते कि आगो को एसएससी आसूची सीजीएल डिसेंबर रे अच्छी बोधे टायर वन टा टेंटेटिव कहुई कि प्रीवियस ईयर आप मैंने नेक्स्ट क्लास रे जेहेतु मुठी मैंने ये को गोटे एग्जाम को स्पेसीफाई करके प्रीवियस ईयर करौनी आमर डब्ल्यूईओ आसूचे डिसेंबर रे ताकि अच्छी पीईओ भी आसी ओमास एप्रिल रे अच्छी ये सर नापर आमर आउ कौन एग्जामिनेशन आसूची एसएससी अच्छी आमर डिसेंबर रे तार टायर वन टा प्रथम राउंडटा तो से लगे ऑल जितकी भी एग्जामिनेशन मानने आउ गोटे सुप्रीम गोटे आसी असिस्टेंट जूनियर सेटा भी अच्छी तार भी एग्जाम 50 मार्क इंग्लीश्र वेटेज ता दिहे तो
ऑल द एग्जामिनेशन को टारगेट करके आम गोटे पैटर्न रण करे क्वेश्चन डिस्कस करुचे आम स्पेसीफाई करें कि एग्जाम पड़ो इंग्लीश सेमती लेवल को किसी भी तुम स्पेसीफाई करें से लगे इंग्लीश तुम जब क्वेश्चन प्राक्ट कर इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन एव्री एग्जामिनेशन ठीक अच्छे तो मुझे मझे मैंने जिते भी क्वेश्चन पचिशा बनाऊँ से ओएमसी क्वेश्चन को एड करदे केतेबेले मु वेलफेयर एग्जीक्यूटिव टाइप वेलफेयर डब्ल्यूईओ रो क्वेश्चन को ऐड कर दोची केतेबेले मु जेल वार्डर पई के ऐड करूची एसएससी तो गुटे मिक्सचर ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस रहउची तो ए सब गुरा तमको कोन हेई परिबो बेनिफिट हेई परिबो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग ठीक अछि तो किछि भी माने एंती भाबोनी कि एसएससी हबो तो हमें 10-15 दिन खाली एसएससी वाला क्वेश्चन करबा एंती किछि न थाय तमे यदि ए क्वेश्चन करि परिबो ताले तमे डब्ल्यूईओ रो क्वेश्चन भी करि परिबो तमे जेल वार्डर रो भी तमे जेल वार्डर रो गुटे प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करछे देखिले आम कौ टाइप क्वेश्चन आसाला जमी आम प्रिवियस इयर करें कि डिफरेन्ट आम देखिले कि से टाइप रही आस भर ही एसएससी डब्ल्यूईओ बीएसएसओ सब क्वेश्चन को कौन कर मिक्स करके तुम पाई कि 25 क्वेश्चन चूज करके आणुच्छे तो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन दैट यू आर अपीयरिंग फॉर ओके तापर आम जी क्वेश्चन नंबर 5 को 5 कौन इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट है जिते बड़े भी आम हाई टाइम देखानी वर्ब टा सब कौ फर्म रर्ब टू रे रुए सी ये कौन आम कौ फर्म ये यूज करवा डिड वर्कड स्टार्टेड वर्किंग नो इम्प्रुवमेंट स्टार्ट वर्किंग इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट तेल कौ ऑप्शन टा ठीक हो स्टार्टेड वर्किंग माने इट बहुत माने एटा माने परफेक्ट टाइम जितेबले तू तोर माने एटा माने ओडियाटा मु तार एक्जाक्ट ओडियाटा कहि परनी जेबे कि आमे ताकू डे टू डे लाइफ रे सब बेले यूज करू कि तू माने एते लेट हे गलाणी ना हां आसी गला एते बेलो को तू ए काम ऑलरेडी स्टार्ट कर सारीवा कथा सही केस रे आकु यूज करा जाए माने बहुत लेट कर देलुनी एते बेले को तो से कामटा कोन हिबा कथा स्टार्ट हे जिवा कथा सेते बेले ही आमे कोन को इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट वे काम ते ये जो प्रोजेक्ट रे काम करिया स्टार्ट कर देबा कथा एते बेले को तार सेंस रे आसुची तले करेक्ट कोन हे जिवो स्टार्टेड वर्किंग इट इज हाई टाइम पखरे सब बेले वर्ब टा को कोतरे रखिबो वी टू रे रखिबो ओके तापर आसीला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 एवरीबॉडी एट द एनुअल फंक्शन वेर एंजॉयिंग द स्टेज एटा हबो सेज नै स्टेज परफॉर्मेंसेस एरर डिटेक्ट करया पई कि कहू छी पार्ट 1 रे कि पार्ट 2 रे पार्ट 3 रे कि पार्ट 4 रे निजे देखि कोडी कहूतरे एरर अछि ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत कर साइलेंट ठीक अछि एवरीवन यूज हेतिबो ईच यूज हेतिबो एवरी यूज हेतिबो एवरीबॉडी यूज हेतिबो ए सब केस रे हम कोन यूज करू सिंगुलर वर्ब यूज करबा ना तो एवरीबॉडी त माने गोटे गोटे लोकों को स्पेसिफिकली कुआ जाय छी समस्ते सेठी कोन करथिले एन्जॉय करथिले सेठी सेते हम कोन यूज करबा सिंगुलर वर्ब एवरीबॉडी एट द एनुअल फंक्शन वाज एटा कोन हे जिवो was enjoying the stage performances tale error ta mor ko part re achi option number b is having the error everybody at the annual function was enjoying the stage performances theek hai la tapar jiwa question number 7 ko 7 dekho something that is easily broken jota bahut shighra bhangi jai pare हैला जोटा बहुत शीघ्र भांगी जाय परिबो ताकू आमे कोन कहबा डक्टाइल कहबा ब्रिटल कहबा एटा ओपाल हबनी OPAQUE हबो ओपैक ओपैक माने कोन जानि छना साइंस रे आमे ओपैक ऑब्जेक्ट का को जो थरे लाइट टा कोन करिवनी पास करके जाय परिवनी वुड मेटल ऑब्जेक्ट लाइट कोन करिवा पेनिट्रेट करके जाय परिवनी जो थरे लाइट आर पार पळे जिवो ट्रांसपेरेंट जेंति ग्लास आमे को पास करके पळे जाय ओके ताकू ओपैक कुआ जाय आ जो थरे हाफ पार्शियली जाय परबे ताकू कोन कोंदु ट्रांसलुसेंट कुआ जाय डक्टाइल कौन जानी छो मटेरियल प्रॉपर्टीज रे पढ़ा जाए डक्टाइल माने कौन समथिंग विच कैन बी ड्रॉन इनटू वेयर जो भी मटेरियल को तुम तार फॉर्म रे कौन करि परिबा कन्वर्ट करि परिबा ताकू हमें कौन कहबा डक्टाइल मटेरियल कहबा ठीक अछि ताले से कहू छी कि समथिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन जोडा को बहुत इजीली कौन करि हबो भांगी हबो ताकू हमें कौन कहू ब्रिटल ताकू हमें कौन कहू ब्रिटल ब्रिटल माने जोटा इजीली कौन है जाए भांगी जाए काच ग्लास टे पड़ी गले भांगी जाउ छी ब्रिटल मटेरियल ओके
जो जिनसेटा इजिली भांगी जाए ताको हमें कौन को ब्रिटल को ओपैक काक को जो लाइट कौन करी परे नी ट्रांस माने पास करके जाई परे नी ट्रांस माने ये पेनिट्रेट करके जाई परे नी ट्रांसपेरेंट काक को जो थरे लाइट 100% पेनिट्रेट करके पड़े जाए डक्टाइल काक को दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वेयर जाकु तारो फॉर्म रे कौन करी हबो कन्वर्ट करी हबो क्लियर हला तापर आसीला क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा 8 देखो The dancer as well as the singer is here to perform. कौचि की the singer is recon replace करा जीव the singer is the singer are a singer was तो किसी दरकार ही नहीं है was कहीं की गोरी बीचे मैंने पनी past tense को convert करी वाला किसी meaning नहीं the singer is the singers are इटी is के भी है ही पर ही वो गोटे कथा कही लो the dancer use है लानी as well as माने आ संगरे आउ गोटे noun use है सेलेनी इटी is बसी वो के भी ये कौन हम आर हम तेल कौ ऑप्शन ठीक है द सिंगर्स आर द डांसर एज वेल एज द सिंगर्स आर हियर टू परफॉर्म ता माने जे डांस करिवे आउ जे गीत गाइबे समस्त एठी आसी पहुंची सारे कौन करिया पई कि निजर परफॉर्मेंस दबा पई कि तले कौ ऑप्शन टा ठीक ही गला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर करेक्ट तापर जीवे क्वेश्चन नंबर 9 को 9 देखो ड्राय 9 गोटे पैरा जंबलिंग ऊपर सेंटेंस टा में केमिति बिगिन करिबा द डॉग्स मे बी सेंटेंस बिगिन करिबा हमें द डॉग्स मे बी अच्छा देखो मे बी परे को मे बी लाइकली रिजेंबल कंटेंपरेरी ना सुनी सेंस मे बी एक्सटिंक्ट वाइल्ड एंसेस्टर दैट मे बी पिरा डॉग्स एंड डिंगोज मे बी डिसेंडेड फ्रॉम एंड ओके देखो Dogs may be descended from an. An use है इसी देखो तापर किया ऐसी परिवो. Extinct use करी परिवो. तमने इटा को मु one number दिली. है ना? The dogs may be descended from an. तापर का आपको नहीं परिवी मु. Extinct wild ancestors that likely resembled इटा को दिली मु two. That likely resembled contemporary pira dogs and dingoes. है ना गोटे कंप्लीट सेन्स आसला ना आसलानी कि डॉग मे बी डिसेंडेड से मैंने कौटू डिसेंड कर फ्रॉम एन एक्सटिंक्ट वाइल्ड एंसेस्टर गोटे एक्सटिंक्ट वाइल्ड एंसेस्टर दैट लाइकली रिजेंबल जे कहा भाया टिके टिके रिजेंबल करती पिरा डॉग्स एंड डिंगोस संगरे ताले को कौ ऑप्शन टा हम क्यू आर पी एस देख लो कौटे ऑप्शन अच्छे क्यू आर पी एस ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर बुझीगला बेले बेले आमको एमती बिगनिंग सेन्टेन्स दे थी बैंक रो एग्जामिनेशन कथा कौच बैंक पीओ रे तो बहुत डिफिकल्ट रो पारा जम्बलिंग हिका आसे जिते बेले आम बैंक पीओ हिका टारगेट करवा से मुझे टाइप रो पारा जम्बलिंग रो क्वेश्चन आनी बहुत लंबा लंबा पैसेज टाइप रो देता है तो तार गोटे बिगनिंग सेन्टेन्स देता है पांच मार्क रो वेटेज क्यारि करे से प्रिलिम्स रे खेल एपट सेपट करदेव पारा जम्बलिंग पूरा सिलेक्शन एपटे ना सिलेक्शन सेपटे से ही टाइप रो बहुत सुंदर पारा जम्बलिंग पड़े ता देहरे प्रथम बिगनिंग सेन्टेन्स दे थो एंड सेन्टेन्स दे थो मझे पांचटा सेन्टेन्स दे थो कह कि पारा जम्बलिंग कर क्वेश्चन व्हिच इज द फर्स्ट व्हिच इज द सेकंड व्हिच इज द थर्ड व्हिच इज द फोर्थ व्हिच इज द फिफ्थ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेन्टेन्स नंबरिंग पचार फाइव मार्क रो वेटेज क्यारि करे से जो कनसेप्टा है कि आम जो एक्जाम दौचे ओएसएससी हो आमर ये जो सब एक्जाम्स को टारगेट करुचे एसएससी लेवल रे भी आमर ये सब इजी वाला पड़े बैंक पीओ लेवल रे पारा जम्बलिंग पड़ेनि है जिते बड़े आम बैंक पीओ लेवल रो सॉल्व करवा कंप्लीटली गोटे डिफरेंट पैटर्न रो क्वेश्चन देखते तो से लगे कौन देखीदे तो ये कौन हो गला क्यू आर पी एस होगा कौन आमर मानने अरेंजमेंट तेल कौ ऑप्शन ठीक ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 माय फ्रेंड्स फादर हैज बीन इलेक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर ओके व्हिच पार्ट सेंटेंस हैज एरर देखो से कौन कौच माय फ्रेंड्स फादर हैज बीन इलेक्टेड एठी कौन हम हैज बीन परे वर्ब टा कौ फॉर्म रे रहइबो वी टू रे रहइबो हैज बीन इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी हैज बीन इलेक्टेड हैज बीन सिलेक्टेड हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी ताले को पार्ट रे मोर एरर रहिला ऑप्शन नंबर टू रे माने बी रे मोर एरर रहिगला सेठी सेटा इलेक्ट न होई कि कौन हवा कथा इलेक्टेड हवा कथा ओके ओके ठीक अच्छे हैज बीन इलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 11 टा देखो क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूँ अ पर्सन हु इज चार्ज विथ ए क्राइम इज कंसीडर्ड इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी कौ पार्ट एरर अच्छी देख कौ पार्ट एरर अच्छी देखी निजे कह ये क्वेश्चन निजे सॉल्व करो
co-perpetrator अच्छे a person who is charged with a crime is considered innocent till proved guilty ना till proven guilty आउ till भी न कहे कि हमें कौन कही परिवा until proven guilty कौन कही परिवा until माने जितते जाए हमें कौन करूनु से guilty proven है नहीं सेपोर्ट जनता ताकु हमें कौन consider करिया कथा इनोसेंट कंसीडर करिया कथा सेंटेंस रो माने कौन ए पर्सन हुई चार्ज विथ ए क्राइम इज कंसीडर इनोसेंस अंटिल प्रूवेन गिल्टी ता माने गोटे लोकटे जिते बेले गोटे क्राइम पाई कि चार्ज हेई थाए माने ताकु अक्यूज करा हेई थाए सेते बेले जे पर्यंत तार सेई क्राइम टा ने साबित न होई छी प्रूव्ड न होई छी से पर्यंत आमे ताकु कौन कहिबा इनोसेंट बोली कंसीडर करिबा तो टिल प्रूव्ड गिल्टी सेटा हबनी सेटा कौन हबा कथा अंटिल प्रूवेन गिल्टी तमे सेंटेंस रे जनरली भी सुनी थिबो ओके ताले करेक्ट सेन को पार्ट रे मोर रही गला ऑप्शन को थरे एरर ऑप्शन नंबर सी रे मोर एरर असी गला इनोसेंट अंटिल प्रूवेन गिल्टी ओके द पर्सन हु इज चार्ज विथ ए क्राइम इज कंसीडर्ड innocent until proven guilty till proven mane je porjanto guilty no proof hoichi se porjanto taku ame innocent koibanu je porjanto mane ethi je porjanto ra sense asuchi to je porjanto ra sense ta ko form re ase till re ase na until re ase jete jae kimba je porjanto cse bane crime pai ki proved guilty no hoichi je porjanto taku accused ta jo accusation ta tapare lagichi jo charge ta lagichi jo ta je porjanto seta proved no hoi jaichi ame taku kon boli consider kariya katha innocent boli consider kariya katha clear hela tapare dekhiba question number 12 kouchi three species of monitor lizards can be found in the nile river basin to can be found ta kouthre bahut easy question can be find you ethi lagibo कि कैन फाइंड कैन बी फाउंड कि नो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली इटा कौन हो पार कैन बी फाउंड इन द नाइल रिवर बेसिन ताने तीनटा स्पेसीज कहार मॉनिटर लिजर्ड मानकर तीन टाइप स्पेसीज कौटी मिलती कौटी मिल पार आमको नाइल रिवर बेसिन रे मिला जाए मैंने देखा जाए है मिल पार कौन हम कैन बी फाउंड हम आमर राइट ऑप्शन थ्री स्पेसीज ऑफ मॉनिटर लिजर्ड्स कैन बी फाउंड इन द नाइल रिवर बेसिन करेक्ट ऑप्शन किए गला ऑप्शन नंबर बी हो गला आमर राइट आंसर तापर हमें देखिबा गोटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा चूज द करेक्ट स्पेलिंग सरडा स्पेलिंग रिलेटेड पड़ी थिला गोटे सेट रे चारटा जक एंटरप्रेनर वर्डटा एटी यूज होती चारटा जक ऑप्शन देखो कौ वर्डटा ठीक अच्छे एंटरप्रेनियर ओके एंटरप्रेनियर कौट कौ वर्डटा तुमको ठीक लगुच ऑप्शन नंबर बी हूँ कौन इन एंट्रा तो केबे भी हबनी प्रानिअर तो केबे भी हबनी फ्री फ्री रेन्यूअर तो हबनी तह कौन हो एंटरप्रेनियर ओके कौ ऑप्शन ठीक ऑप्शन नंबर बी तापर आसला नंबर 14 एटा भी गोटे करेक्ट स्पेलिंग ऊपर देखला हेट्रोजेनियस ओके हेट्रोजेनियस का सब्सटेंस माने को सब्सटेंस को हम हेट्रोजेनियस को दिटा अनलाइकली सब्सटेंसेस से सेम टाइप रो नथिबे दिटा अलग अलग सब्सटेंसेस को हम कोन को हेट्रोजेनियस को सेम टाइप रो सब्सटेंसेस को हम कोन को हेट्रोजेनियस रो एंटोनिम कोन हे जीवो होमोजेनियस ओके आ एंटरप्रेनर माने कौन जी गोटे नुआ जिनस स्टार्ट करती जी गोटे नुआ बिजनेस स्टार्ट करती निजर जो मैंने निजर कि नुआ आइडिया सहित स्टार्टअप निज स्टार्ट करेंगे कौन कहू एंटरप्रेनर्स कहू तो ये हेट्रोजेनियस कौटा स्पेलींग हेट्रोजेनियस हेट्रियो तो हेनी भूल अच्छे हेट्रो तो नुह हेट्रोजेनियस ऑप्शन नंबर कौटा हो ऑप्शन नंबर बी जीनियस तो नुह से हेट्रोजेनियस एच ई टीई आर ओ जे जीई एन ई ओ यूएस ऑप्शन नंबर कौटा ठीक हम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तापर कौटा आसला चूज द करेक्ट स्पेलिंग ये कौन देखिए कोलाबोरेशन मान कौन दुटा जिनस मर्ज को आम कौन कहू कोलाबोरेशन प्रथम देखिए कालाबोरेशन हेनी एटा देखिए कोलाब्रोशन करेक्ट मिलिंग नुह एटा कोलबोरेशन तो नुह कोलाबोरेशन स्पेलिंग कौन हो COLLABORATION करेक्ट ऑप्शन कौन हो गला डी हो गला कितने पाख पाख डिफरेंस होउची तो आम तुम जब वर्ड रो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानी थी ताले तुम निजे कौन करदे चेंज कर दे पार ठीक अच्छे कोलाबोरेशन कौन हम COLLABORATION
तापर आसला क्वेश्चन नंबर 16 को एठी गोटे इडियम रो माने हमको पचारी छि तो से कहू छि कि टू मेक द इडियम ऑफ फ्रेज हमर गोटे टॉपिक था इडियम ऑफ फ्रेज ऊपर हमर 2-3 मार्क रो क्वेश्चन आसे आजिर पेपर रे भी हमें देखिबा इडियम ऑफ फ्रेज रो आसी छि एठी गोटे क्वेश्चन फ्रेम हे छि देखो टू मेक द ग्रेट फ्रेज रो माने कोन ओके तब ऑप्शन कोन कहू छि टू मेक गुड वंस अर्लियर लॉस to score marks in an examination to come out successful to fail in an assignment kon to come out successful gote jinso ame karuthuba au sete bele jete bele ame taku successfully ka mane achieve kari do accomplish kari jo taku ame kon ko to make the grade ta mane to come out successful thik achi ta par aso question number 17 कौन कहूँ इफ समीर वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क एट द एग्जामिनेशन जदि समीर बहुत परिश्रम करे ताहले से एग्जामिनेशन रे कौन कर भल मार्क स्कोर कर एठी गोटे एरर रिलेटेड क्वेश्चन से कौच को पार्ट रे एरर अच्छी ही विल गेट गुड मार्क इफ समीर वर्क हार्ड नो एरर एट एग्जामिनेशन मत गोटे कथा कह एट एग्जामिनेशन करेक्ट प्रिपोजिशन यूज होट एग्जामिनेशन हवा कथा ना इन एग्जामिनेशन हवा कथा परीक्षा रे ताने कौन हम इन एग्जामिनेशन इफ समीर वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क ताने जदि समीर बहुत परिश्रम करे ताले डेफिनेटली एग्जामिनेशन रे से भल स्कोर आणवे आर्ट न होकर कौन हवा कथा इन हवा कथा देखला बेलू को किसी जना पड़ूनी कितु जदि आम बड़ पटे मानने ये करुचु ताप जापरचु कौन कि ये आर्टा एकदम भूल हो जाए एग्जामिनेशन रे तो ये कौन आम प्रिपरेशन यूज करूँ इन एग्जामिनेशन कौ पार्ट एररटा अच्छी ऑप्शन नंबर डी इज हैविंग माय एरर एटा गोटे एरर रिलेटेड क्वेश्चन थिला क्लियर अच्छी 17टा क्वेश्चन सॉल्व कर सारे इवैल्युएट कर निजक केतरा ठीक करुचो केतरा भूल करुचो जो मैंने भी 20+ स्कोर रखुं कमेंट सेक्शन में जनाऊँ आई एम वेरी हैप्पी बहुत भल जाऊँ तुम प्रिपेरेसन प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रही तुम करुच आ तुम टारगेट कर 25 रु 25 रखा पर्सनली बिलीव करो एग्जामिनेशन रे मु फुल रू फुल मार्क रखी इंग्लिश रे ओके इंग्लिश रे रखिबा बहुत इजी तुम्हें जदि टिके निजो को प्रैक्टिस करेबो टिके एफर्ट दब तुमर निश्चय हो 24-25 आराम से तुम्हें स्कोर कर दब आटा केवल तुम्हें अर्न करिबो कौन बाय प्रैक्टिस बेले बेले आमको कौन आसे मैथमेटिक्स आमको सब क्वेश्चन आसुव कितु हाथ फास्ट नथिबो कैलकुलेशन फास्ट नथिबो बोली आम सब क्वेश्चन को परीक्षा अटेंड कर पारना बेले बेले आमको सब क्वेश्चन भी आसेनी 25टा क्वेश्चन 20टा क्वेश्चन 21टा क्वेश्चन 22टा क्वेश्चन आसुव सब आसुन थोड़ा इंग्लीश गोटे एमती सेक्शन तुमको सब आसुव तुम्हें जब सब प्राक्ट कर सब भेरटर क्वेश्चन देखिकी जा तुम्हें से ही 20 मिनिट भितर 15 मिनिट भितर तुम्हें 25 रु 25 क्वेश्चन को करदेव ठीक अच्छे तेल कीप अन् प्राक्टिंग जो मर भी 20 हे आस तमे आउरी प्रैक्टिस करो सेटा को 25 नहीं की जाओ से स्कोर टाकु ओके आ ठीक अच्छे तापर आ जो मन कर 20 रु बिलो आसुची ताले टिके एनालाइज करो कि कौ सेक्शन रे तमरो कमी जाउची अकॉर्डिंगली निजो प्रैक्टिस टाकु कोन करो इंप्रोवाइज करो आ जो टॉपिक रे तमे माने कमी जाउची मु जते बेले नितार रूल्स क्लास टा स्टार्ट करबी गोटे भी क्लास मिस करिवनी सिलेबस वाइज से क्लास टाकु पूरा सीरीज टाकु कोन करबो कवर करबो मु सेटी प्रति चैप्टर को पढिबार टेक्निक भी कहबी कमिंग वीक रु हमरो स्टार्ट हे जिवो ठीक अच्छे देयर नथिंग टू वरी आराम से आमे विद इन 1 मंथ भितर कौन करवा प्रिपेयर हो जावा मो एग्जामिनेशन पाई कि बाय द एंड ऑफ कौन आमर नवेम्बर एटा अक्टोबर चलु नवेम्बर एंड भितर आम कंप्लीट प्रिपेयर हो जावा ओके तापर आम जी क्वेश्चन नंबर 18 को 18 कौच वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स यहाँ गोटे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन वन वर्ड क्वेश्चन भी आसे तो जी स्टैम्प्स कलेक्शन करती आम कौन कौ फिलेटलिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट फिलोसॉफिकल न्यूमिस्मैटिक गोटे कथ कह फिलोसॉफिकल क्या कहुए फिलोसॉफिकल क्या कहा जाए ना जो मर फिलोसॉफी फिलोसॉफी रिलेटेड फिलोसॉफिकल थॉट जो मर फिलोसॉफी रिलेटेड जहाँ माइंडसेट हमें फिलोसॉफिकल कहवा न्यूमिस्मैटिक जी नंबर्स नोट्स नंबर्स एम को सब स्टडी करती आम कौन कह न्यूमिस्मैटिक कह फिलैंथ्रोपिस्ट समवन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर एंड सोसाइटी जी सोसाइटी अन्य मानकर भल विषय चिंता करते हमें फिलैंथ्रोपिस्ट कहू फिलेटलिस्ट हूँ सीए जी कि स्टैम्प्स गुरा को कौन करती कलेक्शन करती कौ ऑप्शन ठीक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 कौच माइ पीसी इज नॉट वर्किंग पीसी माने कौन पर्सनल कंप्यूटर माइ पर्सनल कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग कैन आई यूज यू आर के हम एकदम भूल कैन आई यूज देयर
योर ओनली ऑप्शन कोटा ठीक है यस मु तमरो यूज करी परिबी की मो पर्सनल कंप्यूटर टा काम करूनी मु तमो पर्सनल कंप्यूटर टा यूज करी परिबी की एठी गोटे कोन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस माइक यूज हे जित लगे हमें कोन कहबा यस कहबा करेक्ट ऑप्शन कोन हे जीवो डी विल बी द राइट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहउची द मून ऑफ डैश अर्थ इज वेरी हॉट ड्यूरिंग डैश डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट ताले कौन कहबा ए आ ए तो केबे भी यूज हबनी ओके ए तो जोटी भी यूज है तो काटि दियो तापरे गोटे जगह द आउ कुछ आ गोटे जगह नो आर्टिकल देखिबा द मून ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट ठीक अछि ड्यूरिंग डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट एटा ठीक हबो कि ना एटा ठीक हबो द मून ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे स्पेशली को टाइम रे मून रो माने टेम्परेचर मून टा अधिक माने हॉटर रहूची डे बेले रहूची ना नाइट बेले रहूची जेहेतु डे को स्पेसिफाई करी डे को गोटे कोन एम्फेसिस देची सेति लागि आमे कोन कहबा द मून ऑफ द अर्थ एठी आमे कोन कहबा द मून ऑफ द अर्थ इज हॉटर और इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे को टाइम रे दिनर दिनर दिन बेलाटा से कोन रुए हॉट रुए देन एट नाइट राति बेला अपेक्षा दिन बेला मूनटा कोन रुए हॉट रुए कहार अर्थ रो सेति लागि द मून ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट को ऑप्शन टा ठीक हे जिवो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर द एंड द विल बी यूज इन द ब्लैंक्स ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 देखो पुल्ड अ लॉन्ग फेस माने आ माने कोन ओडिया रे जानिच ओडिया रे जो कोंदनी काई की मुह फुले की बसी छु ताको ही कोन को कोन कोंदी पुल्ड अ लॉन्ग फेस ओके ता माने कोन टू लुक डिससैटिस्फाइड टू बी रेडी फॉर फाइटिंग माडगोला पई की तैयार हे जीवा नो टू रिमेन डिस्टर्बड टू रिमेन डिसअपॉइंटेड टू लुक डिससैटिस्फाइड माने तमे यदि खुशी ना हो गोटे जिनस रे सैटिस्फाइड ना हो तमे माने भितर भल फील करू ना ताले आमे कोन कहू ताको आमे कहू की ही हैज पुल्ड अ लॉन्ग फेस हला से मुंह फुले की बसी छी काई बसी छी एना सैटिस्फाइड नै को जिनस पई की चिड़ी जाई छी को जिनस पई से विरक्त अछि ही लुक्स एट इट लुक कोन डिससैटिस्फाइड को ऑप्शन टा ठीक हे जिवो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एमिति भी आसु छी इडियम्स ऑफ फ्रेज ऊपर आसु छी हमर देखिलो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऊपर आसु छी आज क्लास रे मैं वोकैब देखि पारलेनी कने सेक्शन रे बहुत इजी देतिला मु भाबिली कि तमे से जो जो दितनटा वर्ड दे छी हमें एते डिफिकल्ट वोकैब करलेनी एटा तमे ऑब्वियसली कर दे परिबो सेत लागि से इजी वोकैब्स गुरा को मु आनलेनी ता बियोंड ए सब क्वेश्चंस गुरा को नै के असली तापरे हमें जीबा क्वेश्चन नंबर 22 को द स्किल टू प्लान ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट ओके एडी वर्किंग काट दियो टाइपिंग एरर है छी कोऑर्डिनेट इज वाइटल टुवर्ड्स वर्किंग फ्रॉम डेडलाइन ओके से कोची की व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट वर्क इज वाइटल टुवर्ड्स वर्किंग फ्रॉम डेडलाइन द स्किल टू प्लान तले को ऑप्शन टा ठीक हबो एठी ऑप्शन नंबर सी कने द स्किल टू प्लान रे किछि भूल लागु छी किछि भी भूल नहीं ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट इज वाइटल किछि भूल छी किछि भी नहीं टुवर्ड्स वर्किंग फ्रॉम डेडलाइन ना विथ डेडलाइन डेडलाइन सहित हमें काम करू ओके ताले जदि हमें आमको गोटे भलो स्किल दरकार कहीं ना आम प्लान ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेट कि ना आम वर्क को डेडलाइन भितर कौन करने कंप्लीट करने को ऑप्शन टा ठीक हे जिवो वर्किंग विथ डेडलाइन इज द राइट आंसर आम क्या रिप्लेस कर वर्किंग फ्रॉम डेडलाइन को आम रिप्लेस करोरे वर्किंग विथ डेडलाइन रे ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 देखो व्हेन द मून इज लो इन डैश इट इज क्लोजर टू डैश कौन यूज हबो व्हेन द मून इज लो इन ए तो केबे भी यूज हबनी स्काई पई की एटा भी केबे यूज हबनी होराइजन पई की केबे ए यूज हबो नो ताले कौन कहूची व्हेन द मून इज लो इन द स्काई आकाश रे जेते बेले चन्नटा कोन थाए टिके लो थाए इट लुक्स क्लोजर टू द होराइजन होराइजन पाखु सेटा कोन लगे टिके पाखो लगे हैला ताले को ऑप्शन टा ठीक हे जिवो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर व्हेन द मून इज लो इन द स्काई जेते बेले आकाश रे मून टा कोन थाए लो थाए सेते बेले सेटा होराइजन पाखु कोन लगे क्लोज लगे बुझेला ना बुझेलानी व्हेन द मून इज लो इन द स्काई इट इज क्लोजर टू द होराइजन ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 देखिबा 24 कहूँ टू रीड बिटवीन द लाइन्स आ माने कौन
ओके आर मान माने होची ए भी गोटे इडियम ऑफ फ्रेज रिलेटेड रो तार माने कौन टू रीड केयरफुली टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग टू सस्पेक्ट टू कंसंट्रेट मन रख वेरी क्लोज अच्छी सब ऑप्शन गुरा बहुत क्लोज अच्छी मन रख टू रीड बिटवीन द लाइन्स माने कौन बुझी पारु जदा टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग आमे गोटे जिनसटे देखिले हला मु तुमको एटा गोटे माने वेब सीरीज रिलेटेड कह कि बुझौची आमे गोटे देखिले गोटे केस रे गोटे सीन रे गोटे मर्डर हो जाए ओके सेठी गोटे सुइसाइड नोट पड़ी तो समस्ते आसिले समस्ते इन्वेस्टिगेट कर समस्ते देखी कौन कहले कि हाँ पिलाटा मर जाए सुइसाइड नोट लिखी मैंने दिस इज अ सुइसाइड किंतु जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थिला सी आसिकी कौन कह सुइसाइड नोट टाक पढ़ एंड सी से जिनस देखिपर जोटा अन्य माने कौन हे देखिपर तो से केस कौन कह टू रीड बिटवीन द लाइन्स ताने से एत केयरफुली से सुइसाइड नोटा को पढ़ला कि से ताकू भी बुझीगला जोटा से लेखा भी है ना माने टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग भितर जिनस गोटे हिडन मीनिंग को जी जाणीपे से सेन्स कौन कह टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्लीयर है एक्जामपल रु बुझीप कहीं कहली कहीं एमती मुझे कि टू ग्राफ द हिडन मीनिंग तुम जिनसटा बुझी पार ना मोर ये गोटे सीन मन पड़ जाऊँच आई डोंट नो मुझे गोटे फिल्म देखी कि गोटे वेब सीरीज देखी से कौन हो से झीटा सुइसाइड गोटे वीडियो बनई थे वीडियोटा तार मोबाइल फोन में मिली थी समस्ते कहते कि झीटा सुइसाइड कर सुइसाइड करेबे कि जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी सी कह कि झीटा सुइसाइड करनी कहीं व्हाइल मेकिंग दैट वीडियो ना से झीर आखि आई बल्स गुरा एमती लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन एमती मूव करथुबो सो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल से कि ना एटा से जो सुइसाइड वीडियोटा बनईची एटा से गोटे स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट रु कौन करुच पढ़ूची है से जिनटा देखिपाल अन्य मैंने देखिपाले तो ये टू रीड बिटवीन द लाइन्स मैंने कौन से जिनस को भी बुझी जोटा कौन अच्छी हिडेन अच्छी जो आग को कौन है एक्सप्रेस है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन करेक्ट ऑप्शन कौन हो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू ग्रैप द हिडन मीनिंग बुझा पड़ा 24 आंसर कौन हो आंसर नंबर बी तापर हमें देखा क्वेश्चन नंबर 25 पुष्पाज पेरेंट ट्राइड लिविंग इन द नॉर्थ बट दे कुडंट अडैप्ट टू द कोल्ड हैला पुष्पार मम्मी पापा कौन कले पेरेंट्स से कोड़ी रहा पाई चाहूँ से माने नॉर्थ माने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को से माने शिफ्ट होते रहापाई कि बट दे कुडंट अडैप्ट टू द कोल्ड सी कौन कले से कोल्डटा को कौन करें हैंडल करेंटी कौ पार्ट को कनसीडर कराई नाउन बट अडैप्ट नॉट नॉर्थ नॉर्थ तुम कह नॉर्थटा गोटे डायरेक्शन नाउन हिसाब से कमी यूज करुच यस एटी माने हूँ कौन टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एनी रीजन रु नॉर्थ बोली कह जाए ओके गोटे प्लेस को आम नाउन बोली कहीपर ना से लगे आपको कौन कहगला नाउन बोली कहगला दैट इज नॉर्थ तो पुष्पाज पेरेंट ट्राइड लिविंग इन द नॉर्थ माने पुष्पार पेरेन्ट्स तर जे माँ बापा से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गोटे कंट्री सेटल हाँ चाहूँगी बट से अडैप्ट करे कहीं सेठी बहुत कोल्ड लगला करेक्ट ऑप्शन कौन है गला ऑप्शन नंबर डी हो ची हमारा कौन नाउन ताले ठी ऑप्शन यस ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर तो ठीक अच्छे आम अलरेडी 25 क्वेश्चन आज सॉल्व कर देले एटा भी गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सेट थिला तो आम तुम्हें निजर कमेंट सेक्शन में निजर स्कोर एवं इवैल्युएट करो वीडियो को पॉज करो आउ कैलकुलेट करो केते मार्क आसला कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जनाओ कि तुम्हें केते स्कोर रखिल ओके मोपाई कि तुम स्कोर जाना बहुत वाइटल बिकज दैट एनकरेजेस मी कि मो व्यूअर्स मैंने के जिनस कौन करजक इनवल्व करसीपेट के बिकज आम तो डायरेक्टली कथबार्ता हो पारू कि देखी पारू तो योर कमेंट्स द वे दैट कम्युनिकेट्स मी कि तुम्हें केते इनवॉल्व हो मो संगे ओके से लगे तुम कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइब कि तुम केते स्कोर आसला जो मैंने भी 24-25 रख 23 प्लस रखुच कंग्रेचुलेशन यू आर एग्जाम रेडी कीप प्रैक्टिसिंग आउरी टेस्ट सीरीज दियो आउरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दिन को मिनिमम 50 क्वेश्चन करो 25 तो मुझे कर दूँ तुम्हें बस कि पचे 25 करो दिन को 50 क्वेश्चन करो गोटे मसने के क्वेश्चन कर 1500 क्वेश्चन कर बुझीपार तो कितने पिलाठ तुम अहेड रोज जापार फर्स्ट जिनस सेकेंड जिनस ये क्लास पीडीएफटा मुझे टेलीग्राम देदेवी तुम लिंकटा देदेवि मैंने पीडीएफटा अपलोड करदेवि टेलीग्राम सर्च कर इंग्लीश इंग्लिश बाय पायल PAYAL मैम ओके यही चैनलटा खोजिबो
इंग्लिश बाय पायल मैम एजुगैन एटी तुमको कौन मिली जीवो पीडीएफ मिली जीवो टेलीग्राम रे तुम्हें डेफिनेटली सेटु तुम्हें पीडीएफ पाई दे परिबो वीडियो रो आउ जो प्रीवियस क्लासेस गुरा अछि तारो लिंक भी प्लेलिस्ट रो लिंक ता भी मु सेही चैनल रे अपलोड कर देबी तुम्हें सेठु भी जाई कि डायरेक्टली प्लेलिस्ट रे एनरोल माने एंट्री करि कि सब वीडियोस गुरा देखि परिबो बहुत शीघ्र इन द कमिंग वीक आमे चैप्टर वाइज कोन करबा रूल्स पढिया स्टार्ट करबा सेटा गोटे पूरा डिफरेंट सीरीज हबो जोथरे कि आमे 40 मिनिट 45 मिनिट्स रो क्लास करबा जोथरे आमे 30 मिनिट्स आगे फोकस करिबा चैप्टर रो रूल्स को कांसेप्ट्स को सिखिया पई और लास्ट 20 मिनिट्स आमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा से हिसाब रे आमे नवंबर रे नवंबर डिसेंबर और फर्स्ट वीक सुधा आमे पूरा इंग्लिश रे चैप्टर्स को कोन करिया कवर कर दबा ठीक अछि ताले यही हिसाब से आम कंटिन्यू करिबो वीडियो को लाइक करिबो आउ चैनल को सब्सक्राइब करिबो वीडियो को शेयर करिबो विथ एवरीवन हु आर इन द फेज ऑफ प्रिपरेशन सो जस्ट दैट के वीडियो द्वारा से माने बेनिफिटेड हेबे से माने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबे निजरो वैल्युएबल कमेंट्स और फीडबैक्स निजरो ओपिनियंस समय कमेंट सेक्शन रे जणेबो आउ जदी भी को क्वेश्चन रे तमरो डाउट हुए जदी सॉल्यूशन न बुझिया पड़े ताले भी कमेंट सेक्शन रे जणेले मु रिप्लाई करिबे आउ तमो डाउट को आउरी क्लैरिफाई करिबे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।